ये है बेहद ताकतवर तस्वीर। यह है दो पूर्व सीक्रेट एजेंट्स की मुलाकात। जी हाँ, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल दोनों अपने मुल्कों के लिए सीक्रेट एजेंट्स का काम कर चुके हैं। अजीत डोभाल के साथ पुतिन की ये बैठक बेहद खास है। राष्ट्रपति पुतिन के होम टाउन सेंट पीटर्सबर्ग में अजीत डोभाल पहुंचे थे पीएम मोदी का खास संदेश लेकर। डोभाल की शख्सियत से पुतिन भी बेहद प्रभावित हैं। उन्हें डोभाल के लंबे करियर और जाबाजी के कारनामों की पूरी लिस्ट पता है। डोभाल की तरह पुतिन भी अपने मुल्क के लिए खतरनाक एजेंट का काम कर चुके हैं। पुतिन भी भारतीय जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल के मुरीद हैं। 12 सितंबर को पुतिन और डोभाल की ये मुलाकात हुई। इस मुलाकात की चर्चा यूक्रेन, चीन और अमेरिका तक में हो रही है। डोभाल और पुतिन की मुलाकात का ब्यौरा हम आपको दे देते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन बेहद गर्मजोशी के साथ भारत के एनएसए अजीत डोभाल से मिलते हैं। इसके बाद पुतिन कहते हैं, सुरक्षा मामले हमेशा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल रहे हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं सेंट पीटर्सबर्ग आने के लिए। हम पीएम मोदी का इंतजार कजान में कर रहे हैं। मैं 22 अक्टूबर को कजान में एक द्विपक्षीय बैठक प्रस्तावित करता हूं, जिसमें हम मॉस्को में अपनी मुलाकात के दौरान तय किए गए साझा लक्ष्यों की प्रगति जांच सकें और भविष्य की योजना बना सकें। पुतिन की बात पर अजीत डोभाल कहते हैं, पीएम मोदी अपनी यूक्रेन यात्रा और राष्ट्रपति जेलेंस्की से उनकी मुलाकात की चर्चा आपसे करने के लिए बेहद इच्छुक थे। वो चाहते थे कि मैं विशेष रूप से रूस आऊं और आपको बातचीत के बारे में बताऊं। बातचीत बेहद क्लोज फॉर्मेट में हुई। बैठक में सिर्फ दोनों नेता और उनका निजी स्टाफ मौजूद था। यूक्रेनी राष्ट्रपति के साथ दो और लोग थे। मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ था, लिहाजा मैं इस बैठक का गवाह भी हूं। मैं बातचीत में शामिल भी था। बता दें कि 2 साल से भी अधिक वक्त से रूस और यूक्रेन युद्ध जारी। पीएम मोदी इकलौते ऐसे वैश्विक नेता हैं जिन्होंने यूक्रेन और रूस दोनों का दौरा किया है। पीएम मोदी ने दोनों ही नेताओं के सामने युद्ध छोड़ शांति की राह अपनाने की अपील की थी। हम आपको पीएम मोदी के रूस और यूक्रेन दौरे का वो अंश भी दिखाते हैं। कल आपने मुझे अपने निवास स्थान पर बुलाया और एक सच्चे दोस्त के रूप में कल शाम हमने करीब 4-5 घंटे तक साथ रहे, अनेक विषयों पर हमने बातें की और मुझे खुशी हुई कि यूक्रेन के विषय में हम दोनों अपने अपने विचार खुले मन से विस्तार से हम उसकी चर्चा कर पाए और बड़े आदर के साथ एक दूसरे के विचारों को हमने सुनने समझने का प्रयास किया। आपने देखा होगा कि G20 में भारत G20 की सफलता के साथ साथ ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के मक्कमतापूर्वक अपनी बातें रखता रहा है और उसके कारण स्वाभाविक रूप से आज ग्लोबल साउथ की दुनिया में शांति की जो आकांक्षा है, अपेक्षा है, उसको भी मैंने भली भांति कल आपके सामने प्रस्तुत किया था। एक्सलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है, लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई है। एक्सलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं
सफल नहीं होती हैं, और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। हमने जो दूसरा मार्ग चुना वो दूसरा मार्ग है युद्ध से दूर रहने का। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे, हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की धरती से आते हैं जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। एजेंसी मैं आज जब यूक्रेन आया हूं तब मैं 140 करोड़ भारतीयों की भावना को लेकर के आया और 140 करोड़ भारतीयों की भावना मानवता से प्रेरित है और मैं आज यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर के आया। एक्सेलेंसी यहां से नहीं, पहले मैंने ग्लोबल साउथ की एक कॉन्फ्रेंस की, करीब 120 देश के लोग, मैं उनकी तरफ से भी शांति का संदेश लेकर के आया। एक्सेलेंसी आप भले भांति जानते हैं, यूक्रेन के लोग भी भली भांति जानते हैं कि शांति के हर प्रयास में भारत का सक्रिय योगदान रहा है, और आप भली भांति जानते हैं कि हमारा अप्रोच पीपल सेंट्रिक रहा है। और मैं आपको भी और पूरे विश्व समुदाय को विश्वास दिलाना चाहता हूं, और वो भारत का कमिटमेंट है, और हम स्पष्ट मानते हैं कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है, हम उसका समर्थन करते हैं। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला था तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मैं पिछले दिनों रशिया के मुलाकात के लिए गया था, वहां भी मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है, और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे। रूस और यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए सारी दुनिया पीएम मोदी की तरफ उम्मीद लगाए हुए है। दोनों ही देशों के नेताओं के आगे पीएम मोदी की साख है। दोनों को अगर बातचीत की टेबल पर लाने का मादा किसी में है तो वो भारत में है। लिहाजा अजीत डोभाल की ये रूस यात्रा आने वाले वक्त की किसी बड़ी वैश्विक घटना की पूर्व पीठिका हो सकती है। वीडियो के अंत में आपको इस ताकतवर विजुअल के साथ छोड़े जा रहे हैं, जहां दो पूर्व सीक्रेट एजेंट्स अपने अपने मुल्कों के लिए जिंदगी खपाने वाले दो जाबाज आपस में मिले, जिसमें एक रूस का राष्ट्रपति है तो दूसरा भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। पुतिन ने डोभाल के प्रति जो सम्मान दिखाया है वो बताता है कि भारत की ओजी यानी ओरिजिनल जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल के मुरीद वो भी हैं।